हेलो दोस्तों, फाइनली टीवीएस कंपनी लॉन्च करने वाली है टीवीएस राइडर 125 का न्यू वेरिएंट। टीवीएस कंपनी ने इसकी लॉन्चिंग डेट भी कंफर्म कर दी है। यह न्यू वेरिएंट 19 अक्टूबर 2022 को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने वाला है। टीवीएस कंपनी ने इसकी लॉन्चिंग को लेकर एक टीजर भी अपलोड किया है, जिससे इसकी फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस भी रिवील हो चुके हैं। वैसे टीवीएस राइडर 125 के न्यू वेरिएंट में हमें फीचर्स के रूप में 5 इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया गया है और उसके साथ ही LCD कंसोल भी देखने को मिल रहा है। इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में हमें काफी सारे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, म्यूजिक कंट्रोल, कॉल एंड मैसेज नोटिफिकेशन अलर्ट। यह सभी फीचर्स हमें डिजिटल स्क्रीन में देखने को मिलेगा और इन सभी फीचर्स के अलावा इस न्यू वेरिएंट में हमें राइडिंग मोड्स भी ऑफर किया जाएगा। इस न्यू वेरिएंट में हमें 2 राइडिंग मोड्स मिलेंगे, पहला इको मोड और दूसरा पावर मोड। और कुछ ओल्ड फीचर्स जैसे कि रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर, रिमाइंडर फॉर सर्विस, लो बैटरी, यह सभी फीचर्स भी मिलेंगे। और फाइनली बात करते हैं टीवीएस राइडर 125 न्यू वेरिएंट के इंजन स्पेसिफिकेशंस की। तो इस न्यू वेरिएंट में हमें 124.8 सीसी का एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन ऑफर किया गया है और यह इंजन जनरेट करता है 12 पीएस का पावर और 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और उम्मीद यह की जा रही है कि इस बाइक में भी हमें 5 स्पीड गियरबॉक्स ऑफर किया जाएगा। इस अपकमिंग बाइक के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस लीक नहीं हुए, पर इस न्यू वेरिएंट में हमें डिस्क ब्रेक ऑफर किया जा सकता है और डेफिनेटली बेस्ट सस्पेंशंस का भी यूज किया जाएगा। और बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो न्यू वेरिएंट की एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है लगभग 94,000 रुपए। मे बी इस प्राइस रेंज में टीवीएस राइडर 125 न्यू वेरिएंट बाइक अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।